ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संकल्पों के बारे में, मन के बारे में तो बाबा की तरफ से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, पर आज की मुरली सारी है बुद्धि के ऊपर अटेंशन। और देखा जाए तो बुद्धि जो है मनुष्य जीवन में, उसका जो कार्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हर कदम पर निर्णय लेना पड़ता है। और कैसे बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा ज्ञान सुनाते हैं और हमारी बुद्धि कैसी बनाते हैं, तो आज बाबा सारा बुद्धि के ऊपर समझा रहे हैं। तो हमने देखा है आज बाबा बेशक संग दोष की बात कर रहे हैं, पर बहुत तरह की नॉलेज है आजकल दुनिया में, बहुत है ना, कितनी तरह की नॉलेज है, बहुत तरह की नॉलेज है। एक तो होती है नॉलेज कि मेडिकल की हो, जो सब्जेक्ट्स के ऊपर है, परंतु स्पिरिचुअली भी बहुत तरह की नॉलेज है। तो कई समझते हैं हमको पढ़ना चाहिए, पता चले दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, परंतु बहुत अटेंशन रखना पड़ता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो जो बाबा की श्रीमत है उसमें मिक्स नहीं हो जाए। मुझे याद है कि जब मैंने बाबा के पास भोग लगाने जाना शुरू किया, ट्रांस का पाठ शुरू हुआ, तो एक बात का यही अटेंशन रहता था कि बुद्धि पर कोई बात का प्रभाव ना आए, किसी का भी, कोई कितना भी, कोई किस तरह की एजुकेशन है ये है, लेकिन अगर बुद्धि पर थोड़ा भी प्रभाव आता है तो जो श्रीमत है, जो निर्णय शक्ति है, तो उसमें वो प्योरिटी और वो दिव्यता नहीं रहती है। तो बहुत अटेंशन रखनी पड़ती है कि बुद्धि पर प्रभाव ना आए किसी बात का। मन का तो ठीक है, संकल्प से एकदम पता लग जाता है कि व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, परंतु जो समझ है, बाबा ने जो समझ दी है, उस समझ से समझदार होके अपने जीवन को चलाते रहना एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हो जाता है दूसरों के सामने कि ये लोग अपनी जीवन के लिए हर बात को कैसे यूज़ करते हैं, संबंध व्यवहार में कैसे रहते हैं। ये सब बाबा ने ही ज्ञान और समझ दी है ना, तो इसलिए सारा जो आज का बाबा का समझानी है वो बुद्धि के ऊपर है कि कितना अटेंशन हमें अपनी बुद्धि पर रखना है। क्योंकि बुद्धि भी ऐसे है ना, जैसे मेन हमारी फैकल्टी कहो, कार्य क्षमता है सारी, वो बुद्धि पर ही होती है। जितनी एकदम दिव्य बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि है, तो धारणा की शक्ति, ज्ञान की धारणा भी एकदम स्पष्ट हो जाता है ज्ञान सुनते ही कैसे है। तो इसलिए जितना हो सकता है इंटरप्रिटेशंस, ये वो, इधर की बात उधर की बात, ठीक है, ज़रूरी है, जानकारी तो रखनी पड़ती है ना। कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हमको जाना पड़ता है जो पैनल में होते हैं, अगर हमको जानकारी नहीं होगी तो वहाँ कैसे बैठ के जवाब दे सकेंगे, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो हो सिर्फ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका जो प्रभाव है थोड़ा सा उस पर अटेंशन रखना पड़ता है। नहीं तो हमारे ओपिनियन जो हो जाते हैं ना, वो बायस्ड हो जाते हैं, उस आधार पर ही हम लोग हर बात को सोचने लगते हैं। तो आज की मुरली 27 की सार है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, किस लिए आए हो? अपनी सोई हुई तकदीर जगाने, तकदीर सो गई थी उसको जगाने। तकदीर को जगाना माना विश्व का मालिक बनना, तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? कौन सी खुराक बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? कौन सी खुराक मिल रही है? बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, तुम बच्चों के बुद्धि की ये खुराक है। सवेरे सवेरे बाबा से ये खुराक मिलती है। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात जो इस खुराक को लेते हैं,
उनकी बुद्धि पारस बन जाती है, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बना रहे हैं। आज का गीत है, कल भी वही गीत था, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा ने कहा ना, सोई हुई तकदीर को बाबा जगाते हैं। ओम शांति। गीत की लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। लाइन सुना दो भाई तो रोमांच खड़े हो। तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ जमाना, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। तो मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हुए रोमांच खड़े। तो है ये कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, खोई हुई कहो सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है, सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला, सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तदबीर बनाने वाला, तकदीर बनाने वाला तो एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाती हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है और उसकी तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा, उनको ये पता पड़ जाता है कि मैं वारिस हूँ। हूबहू यह भी बेहद की बात है, बच्चे जानते हैं कि कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती भी है और फिर सो भी जाती हैं। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है, पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। तो आश्रम शब्द अक्षर बहुत पवित्र होता है। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिल्ली में, अभी भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना है, टैक्सी वाले पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना है, तो आश्रम शब्द बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अगेंस्ट फिर हो जाता है अपवित्र पवित्र अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म, उसको आश्रम तो नहीं कहेंगे।
तो ग्रस्त धर्म तो सबका ही है, जानवरों का भी है, परिवार तो उनके भी होते हैं, अभी उसको क्या आश्रम कहेंगे। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे ना कि उनका ग्रस्त धर्म, वो भी ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं कि सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम खुद ही गाते थे अपनी महिमा, 63 जन्म खुद ही गाते रहे। अब समझते हो कि हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं, गायन भी है मनुष्य से देवता करत करके, मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। अभी उनका अर्थ तो तुम जानते हो, यह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं, अब शंकर देवता है नमः कहेंगे, शिव के लिए फिर क्या कहेंगे, शिव परमात्मा नमः। तो फर्क हुआ ना शंकर और शिव में, तो वह देवता हो गया और एक परमात्मा है, तो दोनों को मिला दिया है। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, तुम जानते हो कि हम बरोबर क्या थे, पहले पत्थर बुद्धि थे और अब हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। तो ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरते रहते हैं, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है तो सबसे बुद्धिमान है कौन, एक बाप। अभी तुम्हारी बुद्धि में कोई दम नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बुद्धि है पर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में कोई दम नहीं है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, तो तुम यहाँ आते ही हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, तो बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आए हो किस लिए, पारस बुद्धि बनने। तो बाबा कहते हैं वहाँ मेले आदि बहुत लगते हैं जो पारसनाथ का मंदिर है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पारसनाथ है कौन। मेला लगता है, मंदिर है, वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही बाप है, वह बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो ये ज्ञान तुम बच्चों के लिए, तुम बच्चों की जैसे बुद्धि की खुराक है, बहुत अच्छा डाइट है। इससे बुद्धि कितना पलटती है, खाते हैं ज्ञान से तो बुद्धि पलटती है। तो यह दुनिया कांटों का जंगल है, कितना एक दो को दुख देते रहती हैं। अभी है ही तमो प्रदान, रोरक नरक है। गरुड़ प्राण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है और बेहद का बाप तुमको खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि की बात नहीं है। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं, नहीं अमृत धारा ये वो नाम बहुत सारे, बाबा कहते हैं गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी पीते हैं उसको भी अमृत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब यह भी सब बुद्धि से समझने की बातें हैं, क्या कि अमृत आखिर है क्या, पैरों का धुला हुआ पानी या गंगा जल। तो बाबा कहते हैं यह अंशनी अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं ना, नहीं अमृत हाथ में लेते हैं ना उसको अंचली बोलते हैं, अंचली जो देते हैं वह ऐसे ही, ऐसे नहीं कहते कि पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए तो कह देते हैं पतित पावनी है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मरते हैं
तो गंगा जल मुख में हो ऐसा मानते हैं। दिखाते हैं कि अर्जुन ने बाण मारा तो क्या हुआ, फिर अमृत जल पिलाया। तो तुम बच्चों को ने कोई बाण आदि तो नहीं चलाए ना। एक ऐसा गांव है जहां पर बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। कौन सा गांव है? तो बाबा कहते हैं अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता है, वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही है, जो फिर सर्व का सदगति दाता है। तो सभी आत्माओं को बाबा साथ ले जाते हैं और बाप के सिवाय कोई भी ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है और सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं गॉडफादर, कहते हैं गॉडफादर, पर जानते नहीं है। तो बेहद के बाप को, बाबा कहते हैं हद के बाप को कभी भी गॉडफादर तो नहीं कहेंगे ना। आजकल गॉडफादर भी कॉमन हो गया ना, जो कोई अडॉप्ट करता है, कोई कह देता है तो मेरे बच्चे की समान हो, उसको गॉडफादर कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं गॉडफादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, गॉड मदर है, ये मेरी गॉड फादर है। तो बाबा कहते हैं उनके लिए गाते हैं, गॉड फादर के लिए क्या गाते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। तो एक तरफ तो कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर जब कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देता है। उस समय वो महिमा भूल जाते हैं, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को भी गालियां देने लगते हैं। बहुतों के अंदर ईश्वर के प्रति क्रोध है बहुत। एक बार ये टॉपिक चली, क्यों नहीं मानते हो, भगवान देख रहा है, ऊपर से ही सब हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये हो गया, भगवान ने कुछ नहीं किया। इतना ये जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हुआ तो सब भगवान कहाँ था उस टाइम पर। तो उस पर एक बहुत अच्छी किसी ने जवाब दिया कि देखो पहले भगवान को लिविंग रूम में बिठाते थे, मंदिर बने होता था ना फ्रंट में, फिर उसको धीरे धीरे बोला कि आगे नहीं, मेहमान आते हैं, वो तो उसको बेडरूम में रखते, एक छोटी अलमारी में, एक मूर्ति में। फिर ऐसा टाइम आ गया कि वॉकिंग क्लोजेट बनने लग गए, तो कहता बोला क्लोजेट में रख दो। तो उसने कहा जब तक भगवान क्लोजेट से रूम में आए, रूम से दूसरे रूम में आए, बाहर निकले तो सब कुछ हो जाता है। तो हमने भी भगवान को बिल्कुल पीछे एक अलमारी में रख करके, अलमारी में ही आजकल मंदिर बनाने लग गए, पहले फ्रंट में मंदिर होता था अभी। तो उन्होंने कहा भगवान कैसे इतने दरवाजे खोल के जब तक आए बात हो जाती है। तो वो अंदर में जैसे कि ना थोड़ा सा, जो बाबा कहते हैं कि गालियां देने लगते हैं, कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो फिर रोते क्यों हो, ईश्वर के पास गया ना। तो सत्युग में कोई भी रोने की बात नहीं है, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर दूसरा पार्ट बजाना होता है, परंतु ज्ञान न होने कारण मनुष्य रोते बहुत है, छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है, इतना रोते हैं जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते हैं, क्या कहते हैं, मामा मरे तो भी हलवा खाओ, अर्थात क्या करेंगे, हलवा खाएंगे, अर्थात नष्ट मोहा बनना है। कहाँ से कहाँ होता है ना, रेफरेंस नहीं होता है तो लोग सोचते अच्छा भी माँ मरी है, चलो हलवा बनाओ। तो एक बहन थी, वो दिल्ली में गई,
तो उसकी माँ ने शरीर छोड़ा था, तो घर जाने से पहले वो ट्रेन स्टेशन से सीधा सेंटर पे गई, तो वहाँ पर गुरुवार था, तो उसने उन्होंने कहा भाई भोग खाओ, तो हलवा था, तो उसने हलवा वगैरह खाया भोग का, फिर वो अपने घर गई, राइट। तो उसने बाबा को समाचार दिया कि मैंने तो हलवा खाया, मतलब नहीं तो रोना धोना होता है ना, तो उसने तो अपना वो खाया। अब वो पूरी कहानी तो नहीं होती ना, तो कई फिर ऐसे समझते हैं, देखो बाबा कहते हैं हलवा खाओ, पर ये कहानी उसकी, वो शांता बहन थी अजमेर में जो है, मुझे अभी भी पूरी याद है कि किस तरह से ये बात चली। तो इसलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं, सत्युग में कभी दुख की बात नहीं है, ना कभी अकाले मृत्यु होती है, बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, बाबा को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, काल पर, कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल खाता नहीं है, काल आत्मा को तो खा सकता ही नहीं। ऐसे भी आत्मा तो है ही अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो उसको काल क्या कहेंगे, कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज तो नहीं होती ना, मनुष्य मेहमा गाते हैं, समझते कुछ नहीं पर गाते रहते हैं, तुम्हें व माता, तो बाबा कहते हैं नहीं, गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। तो बाबा समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देते हैं, पांच विकार कोई भी होता है तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर भी जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं हो, तो वो कहते हैं ये बीके तो नास्तिक है, खासकर जब मंदिर में आरती हो रही होती है, अंजलि लेनी होती है, तो उस समय पर जब हम नहीं लेते हैं बोलते हैं ये लोग तो प्रसाद भी नहीं लेते हैं, तो अपने को क्या समझते हैं, तो थोड़ा उस समय पर युक्ति रचनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बीके नास्तिक हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वह नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं बाप को नहीं जानते, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्फिन्स की दुनिया, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये सारी दुनिया क्या है, बाबा का घर है। अपने घर में आया है, बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं, तो आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी हैं राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, वहां फिर अधर्म की बात हो नहीं सकती, कोई अशुद्ध बात नहीं होती, दुख की नहीं होती, अधर्म की नहीं होती है। कहते भी हैं वहां पर शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहाँ से आएगा, नहीं हर देवताओं के साथ राक्षस दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं है। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, और धर्म वाले कहते हैं देखो आपकी क्या मान्यताएं हैं, पर तुम बच्चे जानते हो कि अभिज्ञान का सागर बाप हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है, अब प्रेरणा से पतित को पावन बनाएंगे क्या, बुलाते हैं पतित पावनाओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब जो कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं, तो तुम जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, तो वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। बाबा कितना भारतवर्ष महान देश, इसलिए न केवल कि बाबा आए, लेकिन इतने ऐसे मेहमान को इतना समय रखना कोई बड़ी बात छोटी बात तो नहीं है ना, इतने साल तक भगवान के मेहमान नहीं करना, हॉस्पिटैलिटी करना, मैं सबको ये कहती हूँ कि कोई नहीं कर सकता, कोई हर देश कहेगा कब जाएगा, और यहाँ तो देखो कितने समय से बाबा हैं, और हम लोग तो खुश हैं कि आए आए आते ही रहे। तो बाबा कहते हैं
बाबा तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, वही बाप बैठ बच्चों को सब बातें समझाती हैं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, परंतु यह है व्यास देव, उनके तुम बच्चे हो सुखदेव। अब तुम सुख के देवता बनते हो, खुशी अलग है सुख अलग है। खुशी होती है अच्छा हो गया वहां, लेकिन जो सुख है, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से अर्थात शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंज न जाए इसलिए कह देते हैं शिव के बच्चे, उनका असल नाम है ही शिव। तो बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सामने बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है, इसका मतलब कोई देखने के लिए नहीं है कि आत्मा दिखाई दे। वह परमपिता परमात्मा शिव है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं, कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाबा पूछते हैं कि अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? रियलाइज किया होगा तो क्या होगा, कैसे क्या फीलिंग होगी? इतनी छोटी सी आत्मा और इस आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। रियलाइज होता रहता है, पार्ट बजाते रहते हैं जैसे एक रिकॉर्ड है। तो तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं, पहले तुम देह अभिमानी थे और अब तुम देही अभिमानी बने हो। शरीर पहले भी था अब भी है। तुम जानते हो कि हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं और इसका कोई भी एंड नहीं है। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब शुरू हुआ, कई फिर आके प्राइवेटली कहते हैं मोहिनी बहन कभी भगवान ने बताया तो ज़रूर होगा, आप हमें नहीं बता रहे हो, प्लीज़ बताओ कब शुरू हुआ ये। तो हम कहते हैं नहीं, जो कुछ बाबा बता रहे हैं वो आप और हमको सबको बता रहे हैं। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी विनाश नहीं होता, इसको बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, तो आत्मा ही शरीर में रहती है। तो ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन, अर्थात बुद्धि को समझ मिलती है। तो तुम बच्चों के लिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब ब्रह्मा को भी, फिर ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हो? देव देव महादेव एक देव एक दो के ऊपर रखते हैं, परंतु अर्थ कोई भी जानते नहीं। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं जब इस तन में प्रवेश करता हूँ तो तुमको ये सब बातें बैठ समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ और इनके बहुत जन्मों के अंत में ही मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि यह भी अर्थात ब्रह्मा बाबा भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं। तो जो सन्यास करते हैं उसको योगी ऋषि कहा जाता है, और अभी तुम सभी हो राज ऋषि, 5 विकारों का सन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो। और तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो तुम स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हो और प्रतिज्ञा करते हो
कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। तो मूल बात है ही विकारों की। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचता है, वह नई रचना रचते हैं, वह बीज रूप है, सतचित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सतचित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप समझाते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया को विनाश ही कराओगे। कोई टाइम दिल्ली में पर्चे छपते थे तो लिखा होता था गॉडली इनविटेशन, ईश्वरी निमंत्रण, बोले जाओ जाओ जाओ, हम तैयार नहीं, हमें नहीं जाना कहीं। भाई गॉडली नहीं, वो सोचते ईश्वरी निमंत्रण तो ऊपर जाने का होगा ना। तो बहुत ही ब्रह्मा कुमारियों को तो इतना डरते थे ना कि जैसे ही पर्चा देने लगे हमको नहीं चाहिए ईश्वरी निमंत्रण। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनके मन में, तो बाबा कहते हैं तो क्या आप क्या कहेंगे, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं ये तो विनाश के निमित्त बनी है, क्योंकि उनको ये स्थापना का तो समझ में नहीं आता ना। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को ही मानती हैं। लेकिन बाबा तो खुद कहते हैं कि ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता ही नहीं है। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोल देते हैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों से भारत ने दुर्गति को पाया है। तभी बाबा आकर सच सुनाए तो सबकी सदगति हो ना, समझा। तो शॉर्ट मुरली है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ऐसे कहते हैं, राइट। धारणा के लिए मुख्य सर, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनो, क्योंकि जो प्राप्ति होती है वही देते हैं ना। सुख ले रहे हैं तो क्या करेंगे, सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा है, पढ़ाई सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों उनको छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से सुनना है और मोहजीत भी बनना है। सबसे बड़ा विकार जो चिपक जाता है मोह का होता है, बड़ा सूक्ष्म है, तो मोहजीत बनना है। आज का वरदान है, संग दोष से दूर रहे। संग दोष से दूर रहे बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले। पास विथ ऑनर भाव, समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले। पास विथ ऑनर भाव, जो बाप के समीप रहना पसंद है, कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष में, संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्प, माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने के लिए, बचाने वाले ही फिर पास विद ऑनर होते हैं। व्यर्थ संकल्पों का, आकर्षण के संकल्पों का, संबंधियों का, वाणी का,
अन्य दोष का, कर्म का, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पार्श्वित ऑनर होते हैं। आज का स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएगा, बाप आप सबकी छत्रछाया बन जाएगा। आपने सुना कि आज प्रोग्राम है, उससे पहले ही हम